स्वागत है आपका शिवम की गणित में। ये जीके जीएस के मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, टैक्स आधार में वृद्धि अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिशील कर। ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिशील कर। अगला क्वेश्चन है, याहू, गूगल और MSN हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट साइट्स। ऑप्शन ए, इंटरनेट साइट्स। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए। तो इस अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1945 में। ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शेख मुबारक। ऑप्शन ए, शेख मुबारक। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ से। ऑप्शन बी, आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडीस। ऑप्शन बी, एडीस। अगला क्वेश्चन है, भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड में। ऑप्शन ए, आइसलैंड में। अगला क्वेश्चन है, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिप्ट्रोजन से। ऑप्शन बी, कैलिप्ट्रोजन से। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेरक। ऑप्शन नंबर ए, प्रेरक। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी यूनिट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रेडियो धर्मिता की। ऑप्शन है, रेडियो धर्मिता की। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतूर के। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संतूर। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्याज दरों में कमी। ऑप्शन बी, ब्याज दरों में कमी। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन एक्सचेंज का द्वारा आविष्कार किया गया था? तो इसका आंसर होगा तिवादार पुरस्कार, तिवादार पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आंवले में होता है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोरलामार वेनेजुएला में। ऑप्शन सी, पोरलामार वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन है, झींगा प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन ए, आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रोमियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है,
एलोरा की गुफाएं में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का जन्म हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1971 ईस्वी में, ऑप्शन ए 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केशिका क्रिया, ऑप्शन नंबर बी केशिका क्रिया पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय में, ऑप्शन ए मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान को का शेर भी कहा जाता था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मैसूर का, ऑप्शन नंबर ए मैसूर का। अगला क्वेश्चन है, सही कथन को पहचानिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न। कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।